कहते हैं भोले को मनाने के लिए शिवलिंग पर हर बार लोग पहुंचते हैं और ये तस्वीरें हम अक्सर दर्शकों को दिखाते भी हैं किस तरीके से पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाती है। आज की बात की जाए तो कोरोना महामारी के चलते तस्वीरें भी बदल रही हैं, माहौल भी बदला हुआ है। क्या तस्वीर लखनऊ में आज नजर आ रही है, क्या मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं आज? बिल्कुल शिल्पा, देखिए जो असर है कोरोना का वो साफ तौर पे आपको राजधानी लखनऊ में देखने को मिलेगा। बहुत खास दिन है आज, कल जो त्रयोदशी थी उस दिन त्रयोदोष था, आज चतुर्दशी को शिवरात्रि है और कल का जो दिन है सोमवार का सोमवती अमावस्या, एक खास दिन है शिवरात्रि। कहा यह जाता है कि आज के दिन जो भगवान शिव शिव का लिंग है उस पर जलाभिषेक करता है तो उसको लोभ पाप क्रोध इन सारे चीजों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही मौन व्रत जो है आज के दिन बहुत ज्यादा अहम माना जाता है, अगर आप पूरे दिन मौन व्रत रखते हैं तो ईश्वर आपकी जो मनोकामनाएं है उसको पूर्ण करता है। एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे जो कैमरा पर्सन है वो एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाएं। देखिए मंदिर खुल चुका है और कुछ एकाध जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे इक्का दुक्का करके आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने चौतरफा असर डाला है उसका असर हमने साफ तौर पे देखा कि जिस तरह सावन के महीने में श्रद्धालुओं की एक बड़ी संख्या मंदिरों में आती थी दर्शन करने भगवान शिव के, वो इस बार नजर नहीं आ रही है। चूंकि बहुत पवित्र महीना है सावन का, बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं और बड़ी संख्या में आम तौर पे इन मंदिरों में बहुत भीड़ होती थी, लेकिन जिस तरह से पूरे प्रदेश या देश की हम बात करें कोरोना के मरीज बढ़े हैं उसका असर हमें इस जो मुक्तेश्वर धाम मंदिर है लखनऊ का, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों ने घर में ही पूजा पाठ करना उचित समझा है और यही वजह है कि लोग कुछ दूरी बनाए हुए हैं, जिस तरह का संकट है उससे बचाव की जरूरत है और अधिकतर लोग जो है अपने घरों में ही जो पूजा पाठ का काम है वो कर रहे हैं। शिल्पा बिल्कुल मयंक, असर नजर आ रहा है लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, बेशक वो मंदिर आकर पूजा करें लोग या फिर अपने घरों में ही भगवान को मनाएं। वाराणसी से हमारे साथ नवीन भी बने हुए हैं। नवीन, वाराणसी की क्या तस्वीर नजर आ रही है, वाराणसी में क्या लोग मंदिर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल शिल्पा, मैं इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर मौजूद हूँ और सावन की शिवरात्रि जो चतुर्थी मास सावन के चतुर्थी मास में लग पड़ती है वो आज पड़ी हुई है। हालांकि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए लोग जिस तरह की भीड़ काशी में देखने को मिलती थी, चूंकि सावन है और सावन की शिवरात्रि जो अहम महत्व रखती है क्योंकि बाबा की नगरी है और शिवरात्रि का पर्व हो तो खास तौर से भीड़ काशी में देखने को मिलती थी सावन की शिवरात्रि या फिर कहें सावन में, लेकिन वो नज़ारा अभी देखने को फिलहाल वाराणसी में नहीं मिल रहा है। आप देख सकती हैं पूरी तरह से प्रशासनिक तैयारियां तो की गई हैं लेकिन श्रद्धालु नदारद दिख रहे हैं। इक्का दुक्का श्रद्धालु जरूर देखने को मिल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए, लेकिन वो श्रद्धालु रोजाना वाले श्रद्धालु हैं जो डेली बाबा का जलाभिषेक करते हैं। चूंकि सावन की शिवरात्रि है तो विशेष महत्व रखता है, इस दिन अगर माता पार्वती और भगवान शंकर को जलाभिषेक कर दें तो धन्य धान्य की प्राप्ति होती है, इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन में जो बाधा आती है उससे भी मुक्ति मिलती है। कुछ श्रद्धालु हैं जो सुबह सुबह बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सावन की शिवरात्रि है, कितना महत्व रखती है सावन की? बहुत महत्व है, यहाँ तो एक मिनट पैर रखने की भी जगह नहीं मिलता था, लेकिन बाबा की कृपा है या कोरोना की कृपा कह लीजिए कि आवागमन न होने की वजह से श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए मंदिर एकदम परिसर खाली है, आराम से आदमी आए दर्शन करे चला जाए, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। सावन की शिवरात्रि है और काशी में सावन की शिवरात्रि का कितना बड़ा महात्मा है? बहुत महात्मा है, इसके लिए खाली बाबा को जलाभिषेक करने से ही पार्वती को भी मान लिया जाता है कि उनके साथ विराजमान है, पार्वती के लिए इधर उधर अलग नहीं जाना पड़ता है। काशी की महिमा अपरंपार है, मैं 50 साल से यहाँ दर्शन प्रतिदिन करता हूँ, बनारस रहने में न रहने पे बात अलग है। जी शिल्पा, तो काशी में शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है क्योंकि काशी पार्वती को प्यारी नगरी बताई जाती थी, अगर माता पार्वती को जलाभिषेक कर दे, बाबा शंकर को जलाभिषेक इस दिन अगर कर दे तो दाम्पत्य जीवन में जो बाधा होती है उससे मुक्ति मिलती है, इसके साथ साथ धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। फिलहाल वाराणसी का नज़ारा कुछ हट के दिख रहा है क्योंकि जिस तरह की भीड़ सावन की शिवरात्रि में आम दिनों में देखने को मिलती थी वो भीड़ अभी वाराणसी में देखने को नहीं मिल रही है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा है। इक्का दुक्का श्रद्धालु जरूर आ सकते हैं, आप देख सकते हैं प्रशासनिक तैयारियां बल्ली पटरी
लगा के प्रशासन तमाम तैयारियां किया हुआ था, लेकिन श्रद्धालु फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 ने प्रकोप जारी रखा है, लोग अपने आप को सुरक्षित करते हुए घर में रह के ही जलाभिषेक करने पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाबा से ये भी कामना कर रहे हैं कि जल्द ही इस महामारी से देश को निजात मिले। तो फिलहाल काशी की तस्वीर हटके है, इस तरह की तस्वीर फिलहाल काशी ने अभी तक नहीं देखी थी, क्योंकि सावन में काशी में हर तरफ हर हर महादेव, बम बम महादेव, हर हर महादेव के उद्घोष सुनाई देता था, लेकिन इस बार फिलहाल काशी में किसी तरह का उद्घोष सुनाई नहीं दे रहा है। श्रद्धालुओं से पटी रहने वाली काशी में फिलहाल इस बार सन्नाटा देखने को मिल रहा है। शिल्पा बिल्कुल नवीन, कह सकते हैं आप सन्नाटा जो है इस बार नजर आ रहा है, और फिलहाल कोरोना महामारी को देखते हुए ये कह सकते हैं लोग जो हैं वो यहाँ पर समझ पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद गुफरान भी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। गुफरान, आपसे हम जानना चाहेंगे प्रयागराज की क्या तस्वीरें हैं, प्रयागराज में भी क्या यही सब नजर आ रहा है, लोग घरों में ही भगवान को मना रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक तैयारियां भी की गई है कि मंदिर में अगर लोगों की तादाद बढ़ती है तो उसको कंट्रोल किया जाए। और उसके साथ अभी तक जो दो तस्वीरें हमारे सहयोगी ने दिखाई, मयंक ने तस्वीर दिखाई, नवीन ने तस्वीर दिखाई, तो ये कह सकते हैं लोग खुद से समझ रहे हैं कितना जरूरी है कि आप घरों में ही पूजा करें मंदिर जाने की बजाय। लेकिन प्रयागराज की तस्वीर बताइएगा कैसी है। बिल्कुल, देखिए कोरोना के चलते प्रयागराज में भी जो तस्वीरें हैं वो बेहद एक तरीके से श्रद्धालुओं के लिए वो हैं, क्योंकि आमतौर पर जब सावन के महीने होते थे, खास करके सोमवार या फिर दूसरे शिवरात्रि का जो मौका होता है, भीड़ होती थी शिव मंदिरों में, लेकिन इस बार जो है मंदिरों के जो कपाट हैं, शिव मंदिर खास करके बंद हैं, वहां के जो इंतजाम जो कमेटी है उन्होंने बंद कर रखने का फैसला लिया है। हम इस वक्त सिविल लाइंस के एक बेहद प्रसिद्ध शिव मंदिर है जहां पर है, लेकिन यहां पर हमारे पीछे आप देख ही सकते हैं कि यहां के जो मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद हैं यहां पर इस बार। तो एक तरीके से जो शिव भक्त हैं वो घर में ही रह करके अपने पास के ही जो स्थानीय जो शिव मंदिर है वहीं पर जल अर्पण जलाभिषेक कर रहे हैं, वहीं पर अपने जो पूजा पद्धति है वो कर रहे हैं।